निकाल के लिखा। इतना बड़ा बोल करने में लगता है। हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू द चॅनल माथेरानच्या या पुढील एपिसोडमध्ये मी पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। जसं की मी मागच्या एपिसोडमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की तिथे आम्हाला एक सरप्राईज मिळालं होतं मॅजिक शोचं। मुलांनी फार छान एन्जॉय केला हा मॅजिक शो। खरं तर तिथं फार गर्दी नव्हती आणि फार जवळून हे मॅजिक पाहता आलं, त्यामुळे मुलांनी खरंच फार छान एन्जॉय केलं। तसंच तुम्हीही करा आणि जर मागचा एपिसोड पाहिला नसेल तर पहिले तो पहा आणि करा एन्जॉय हा मॅजिक शो। ये बॉल है ना मॅडम जी, अब ये बेबी के टकले में जाएगा। से पूपू। ओके, 1 2 3 4। जादू का गुड़िया और ये बेबी का टकला आपके सामने। ये हॉप, चाव 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 चाव, वो फास्ट चला गया। 1 2 3। डरना निया, तो फर्स्ट रो मध्ये बसून या मॅजिक शो चा फार आनंद घेत होती आणि इथे निवड झाली मास्टर मयंक ची। पाहूया मयंक काय धमाल करतोय तो। औरंगाबाद से नहीं आया बाबा, वहां से यहाँ आया। हाँ, शादी हो गया आपका सर? इसका शादी भी बाकी। हाँ, पास है, ऊपर डालूंगा सर, नीचे आएगा और नीचे मारने से ऊपर आएगा। अभी हम फोक मारेगा ये बॉल आप सभी लोगों के सामने, ये सामने वाली लाइट पे जाएगा सर। तो आप सभी को लाइट पे देखना है, मेरे पास नहीं देखना है सर। हाँ, एक टीम में जाएगा, एक ऊपर देखिए सर, दो ये सामने क्या लाइट है ना झाड़ पे मिला, और ये आखिरी सर ऊपर देखो। हाँ, देखो सब लोग ऊपर देखता है सर, देखो मुझे ऐसे देखना है। हो हो, जाओ बाबा के चड्डे में। वो बाबा के चड्डे में, बाबा आप चड्डे में देखो बेटा, बोल आया क्या? बोले सर आइए सर, एक मिनट। तसेच बाकीचे लहान मुलं तिथे उपस्थित होते, ते फार एन्जॉय करत होते हा शो, कारण त्यांना लाईव्ह अनुभवण्यासाठी हा क्षण मिळत होता। बेटा आपका एक पैर वहां रखो, दे रियली एन्जॉय लॉट। दूसरा रखो, दूसरा यहाँ रखो, गुड। तीसरा वहाँ बीच में रखो। टेंशन में आ गया, जरा तीसरा कहाँ से आ गया? लंबा कर बाबा लंबा। हाँ, ये भगवान तेरा आश्रय, पकड़ बेटा इसे, पकड़ बाबा पकड़। थैली छोड़ने का नहीं बाबा, थैली छोड़ेगा रात को 3 बजे घोड़ा हो जाएगा, थैली छोड़ना नहीं है। सेठ जी आप बैठो। हाँ, थैंक यू वेरी मच सेठ। हाँ, मैं म्यूजिक बजाता है बाबा ऐसा करने का, बोल आओ बोल बाबा, कम ऑन। But a performance by my aunt. All are really enjoy this performance. Yeah. Thank you. Wait, sir, Scotland. Italy में ऐसा नहीं मिलता है। कपड़ा देखने में पहचान में आ जाता है। हे मॅजिशियन मुंबईहून आलेले होते आणि त्यांनी सांगितलं की हे हॉटेल फार जुनं आहे, याच हॉटेलमध्ये त्यांचे वडील मॅजिक शो दाखवायचे आणि त्यांच्यानंतर आता ते स्वतः मागील 10 ते 15 वर्षापासून या हॉटेलमध्ये मॅजिक शो दाखवत आहे। सो इट्स रिअली गुड थिंग। लास्ट एक कैमरे वाले सर को दिखाता हूँ सर, ट्राई कीजिए। सच को लूज है या टाइट है? टाइट है। थैंक यू सर। कितने गठान है बच्चों? क्योंकि ये गठान के ऊपर आप लोगों के सामने
लाल ड्रेस वाली मैडम ने फूक नहीं मारा है। इसे बोलो पूपू। बोलो बोलो मैडम जी यार, जो नहीं पप्पू नहीं मैडम पप्पू है। ओके मैडम ने पप्पू किया। कम ऑन चोली वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सिल्वर ओके। मैडम का रिंग का जो मैजिक है वो मैं मेरे हाथ से नहीं लेता, चश्मे वाले सर के पास देता हूँ। सर एक मिनट आइए। मैं बच्चों के हाथ में नहीं दे सकता हूँ सर, क्योंकि बच्चे हैं वो कहीं घुमा देंगे तो प्रॉब्लम होगा। आप बड़े आदमी हैं, गुम गया तो भर के दे सकते हैं। हाँ यहाँ लगाइए सर, गुड। और तीसरा नीचे लगाइए सर। तीसरा नहीं है सर। ऐसे बोलो वाहे जितनीन तलत अरब। सिर्फ चार ही वर्ड्स बोला हूँ सर, वाहे जितनीन तलत अरब। या मॅजिक शोचं आणखी एक वैशिष्ट्य मला जे जाणवलं ते की हे जे मॅजिशियन होते हे इथे उपस्थित असलेल्या बऱ्याच जणांना त्यांनी त्या मॅजिक शो मध्ये इन्वॉल्व करून घेतलं, जेणेकरून एक रिअल अनुभव घेता यावा। आणि खरंच त्यांनी सांगितलं की जादू नसते, या काही ट्रिक्स आहेत। आणि तिथं एवढं जवळ बसून समोरासमोर पाहून सुद्धा ह्या ट्रिक्स लक्षात नाही आले, किंबहुना मोबाईलमध्ये व्हिडिओ शूट आहे। मी बऱ्याच वेळेस तो स्लो मोशन किंवा बऱ्याच वेगवेगळ्या अँगलने बघण्याचा प्रयत्न केला, तरी सुद्धा ह्या ट्रिक्स शोधता नाही आल्या। तर हीच खरी जादू किंवा ट्रिक्स या मॅजिशियनची आहे। आपके सामने मैं इसे यहाँ से कट करता हूँ, सब लोग बराबर देखना सर। 1 2 3 11 7 कुछ चीटिंग नहीं है सर, आपके सामने ही, नो चीटिंग। 1 2 3 के साथ 1 2 3 4 या मालिक तेरा नाम बड़ा है। कमाल चोली वेरी कोई। ए देखो मैडम भाई, आपने कभी झूठ बोला है? मैडम जी बोलो ए भगवान। बोलो मैं 4 महीने से भूखी हूँ। या शो मध्ये उपस्थित असलेला प्रत्येक जन हा शो फार एन्जॉय करत होता। आणि आपण बाहेर वेकेशन साठी जातो तर याच साठी जातो की आपण आपला सगळा सर्व स्ट्रेस टेन्शन तिथे सोडून यावं किंवा थोडंसं माइंड फ्रेश व्हावं। आणि ह्या मॅजिक शो खरंच ती गोष्ट फार बड़ा छान प्रकारे पूर्ण केली। लड्डू हात में है सर, होप बंद करो मच्छर जाएगा। भाई चास अटक गया, ये बाबा हाथ डाल के निकाल ले। वो भी टेंशन में आ गए सर, के क्यों मैं आगे बैठा है ना, ये आपको पता होगा मुस्तफा शॉपिंग सेंटर सिंगापुर। हाँ सिंगापुर से मंगाया। 1 2 3 4 काट, ये है पकड़ने वाला हैंडल। हाँ सर जी एम्प्टी बॉक्स। मैडम जी मैं आपसे 3 कहता हूँ, 1 2 3 आप इसमें जोर से बोलो हाँ। धीरे नहीं मैडम, क्योंकि यहाँ अटक गया तो ये बाबा को हाथ डालना पड़ेगा। वो भी रेडी बैठा है। हाथ मुंडी डालिए मैडम आप। 1 2 3 ये बैग हमने कहाँ से मंगाया? अमेजॉन का कुछ भी नहीं है बेटा अंकल के पास। आया कोलालंपुर। आप ये बच्चा क्या करेगा, बैग में हाथ डालेगा और बिच्छू निकाल के आप लोगों को दिखाएगा। फाड़ता है भाई। ये बैग हमने बहुत लंबे से मंगाया है, लेकिन सर एम्प्टी बैग है, इसमें कुछ नहीं है खाली। अगर आप इसको ऐसे हिलाएगा तो 2-4 बिच्छू आएगा। ओके यस, ऐसे पकड़ो, हाथ ऊंचा, एक हाथ सर पे रखो, वो हाथ निकालना नहीं, मैं तो रात को 3 बजे घोड़ा बन जाएगा। चलो बेटा खूब मारो दोनों बच्चे जोर से मिलके। हाँ मिलकर बोलो पू पू। बहुत अच्छे पप्पू किए बच्चे। बोलो बच्चे लोग 1 2 3 1 2 3 मोजा बेली खाटू इनी ठानू।
लूलू 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 वेट गो इनसाइड। मैं तीन बोलेगा ना बच्चा आपको बॉल छोड़ना है ओके। वन टू थ्री छोड़ बेटा थैंक यू। ओ माय गॉड बॉल दे दे बच्चे या या ठिकाणी ईश्वर थोड़ी वेगळीच मस्ती केली। यानंतर मुलांसाठी तिथे काही स्पेशल गेम्सही घेण्यात आले, त्याच्यामध्ये मयंकाला सेकंड, त्याच्यामुळे त्याला काही गिफ्ट मिळू शकलं नाही। आणि तसंच मुलांनी फार डान्स एन्जॉय केला। मोठ्यांसाठीही तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे गेम्स घेण्यात आले होते अँड मयंक रिअली एन्जॉय दिस स्टेप्स। आणि आणखीन एक सरप्राईज होतं, ते म्हणजे सांता क्लॉज जे की मुलांना गिफ्ट वाटत होतं चॉकलेट। नाव इज इशुस्टन। बरंच फिरून आल्यानंतर थोडासा जेवणाचाही आस्वाद घ्यायला पाहिजे आणि इथलं जेवण एवढं अप्रतिम होतं की म्हणजे असा एकही पदार्थ नव्हता की जो आम्ही त्याला म्हणू शकतो की हा अप टू द मार्क नव्हता। आणि यानंतर इट्स नाव डान्स टाईम टू एव्हरी वन। मी सावंत लव विथ फॅमिली फार एन्जॉय केला हा डान्स, तसेच बाकीचे जे इथे लोक आलेले होते ते पण एन्जॉय करत होते। खरंच हे रिसॉर्ट फार छान आहे, जर माथेरानला जात असाल तर याचं नाव नक्की लक्षात ठेवा, कारण तिथं अशी एकही गोष्ट अशी वाटली नाही की काही कमी आहे त्याच्यात। अँड लव अँड सावंत इज एन्जॉईंग द डान्स इन फुल स्विंग। त्यानंतर होता केक कटिंग बाय सांता क्लॉज अँड ऑल चिल्ड्रन्स। आणि हे सर्व व्यवस्थित पार पाडल्यानंतर आता एन्जॉय करायची वेळ होती ती हॉटेल स्टाफवर। आणि ह्या डान्स करणारे जे सगळे आहेत ते आहेत हॉटेलचा स्टाफ, त्यांनी फार छान एन्जॉय केला। त्यांचाही स्ट्रेस थोडासा रिलीज झालाच असेल नक्की, पण फुल स्विंगमध्ये ते पण डान्स करत होते, स्पेशली सांता क्लॉज। अँड नाव इट्स लास्ट सॉन्ग, कारण वेळ बरीशी झालेली होती आणि प्रत्येकाने फार छान एन्जॉय केला। अँड इट्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग। स्विमिंग पूल, पण एवढ्या थंडीचं स्विमिंग पूलमध्ये जाणं थोडंसं मुश्किल राहू शकतं, पण पाहूया आता मुलांची इच्छा आहे। आणि जे करायचं होतं ते केलंच, मुलं शेवटी गेले स्विमिंग पूलमध्ये। एवढं थंड वातावरणात सुद्धा यांना स्विमिंगचा आनंद घ्यायचाच होता। मयंक विभा विराज आणि शिवांश, त्यानंतर झाला आमचा ब्रेकफास्ट, तोही अप टू द मार्कच होता। आणि तिथे बाकीचे स्पोर्ट्सही होते जसे की टेबल टेनिस। सो मयंकचा हट्ट होता थोडंसं खेळूयात। त्याच्यानंतर राणीचाही हट्ट होता। आणि इशू जिथे जाते तिथे आम्हाला बटरफ्लाय भेटणार नाही असं शक्यतो होत नाही, अँड शी रिअली एन्जॉयज विथ बटरफ्लाईज। नाव इट्स टाईम टू से बाय बाय टू हॉटेल द बाईक ब्राईट लाईन माथेरान। फार छान अनुभव होता हा, तुम्हालाही घ्यायचा असेल तर नक्की जा। बॅग्स पॅक, लेट्स मूव। द लेडीज इज ऑल्सो रेडी इन टाईम, सो दॅट्स अ गुड थिंग।
सो इतने पुढची जर्नी राहणार आहे औरंगाबादसाठी. सो थँक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट एपिसोड. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक नक्की करा. बाय बाय.